मेरी मम्मी ने पांच बच्चों को जन्म दिया, मैं पांचवा लास्ट हूँ। और मेरी मदर प्रेग्नेंट होने के तीसरे दिन ही उसकी इच्छा खत्म हो जाती। चार बहुत है यार, अपन डस्टबिन में पड़े होते यार। पढ़ा होता नहीं, पढ़ा होता ना डस्टबिन आया ना। लेकिन मेरी माँ की सोलिड इच्छा ने मेरे को जीवित पाया और उसकी सोलिड इच्छा ने आज मेरे को यहाँ तक भी पहुँचा दी। यस या नो? तो सबसे पहले तो उन माँ बाप की इच्छा को धन्यवाद करो जिनकी इच्छा की वजह से आज हम सब बैठे। अब ये तो है एक अलग पार्ट, डिजायर क्या है एक अलग पार्ट है। लाइफ में सिर्फ डिजायर रखने से सक्सेस नहीं आती। जिस इंसान ने डिजायर रखी थी कि यार एक पंखा होना चाहिए, क्या पता ऐसे डिजायर 250 लोगों ने रखी हो, लेकिन बनाने वाला तो एक ही रहा है ना। बल्ब का आविष्कार करने वाले 250 साइंटिस्ट थे, बनाने वाला तो एक था ना। डिजायर कितनी है ये मैटर नहीं करता, उस डिजायर के लिए आप डिजर्व कितना करते हो मैटर ये करता है। आप इच्छा कितनी बड़ी रखते हो ये मायने नहीं रखता, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हौसला कितना बड़ा है, जुनून कितना बड़ा है, जोश कितना बड़ा है, हिम्मत कितनी बड़ी है, आपके अंदर पागलपन कितना बड़ा है, वो मायने रखता है मेरे भाई। तब जाके आप लोगों के मन में इच्छा कि यार मैं 1 करोड़ कमा जाऊं, मैं 2 करोड़ कमा जाऊं, मैं 70 करोड़ कमा जाऊं। अरे 70 करोड़ भी आएंगे, 700 करोड़ भी आएंगे। आप जो इच्छा रखते हो उस इच्छा के अकॉर्डिंग आपका हौसला कितना है, आपकी वर्किंग जो आवर्स है आपके घंटे कितने हैं, आप घर से कितने दिन निकलते हो, आप काम कितना करते हो, ट्रेनिंग कितनी करते हो। यही बच्चा जो मेरा दिनेश अभी खड़ा होकर के बोल रहा था, कभी 2 घंटे गला नहीं बैठता था, 5 मिनट में गला बैठ गया। क्यों? प्रैक्टिस आया ना। यस Yes, you know? Yes. इच्छा जितनी बड़ी हो प्रैक्टिस उतनी बड़ी, मेहनत उतनी बड़ी, रोज काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। तो एक चीज अपनी डायरी में पक्का लिखिएगा यार, डिजायर कितनी बड़ी है मैटर नहीं करता, आप डिजर्व कितना बड़ा करते हो मैटर ये करता है। अगर आपको डायमंड बनना है डिजर्व के साथ में डिजायर, आपको डिजायर के साथ में डिजर्व रखना पड़ेगा, आपको उसके लिए ना फुलफिल होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है हिंदी में बताऊं? डिजायर मतलब इच्छा, डिजर्व मतलब उसके लायक बनना। क्या कह रहा मैं? उसके लायक बनना। यस या नो? यस। यस या नो? यस। यस या नो? यस। डिजायर के साथ में डिजर्व कर लोगे? यस। डिजायर के साथ में डिजर्व कर लोगे? यस। अगर आपको गोल्ड बनना, प्लेटिनम बनना, ब्रांड बनना है तो उस रैंक के अकॉर्डिंग मेहनत कर लोगे? यस। आज भी बहुत सारे लोग 1-1 साल 1.5 साल से AWPL में मेरे साथ लगे हुए हैं। कुछ लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आती है यार, पैसे की तंगी आ गई, लोग दुनिया भर का ऑप्शन खड़ा कर लेते हैं। 2 घंटे फलाना काम कर लूंगा तो इतना पैसा आ जाएगा, 2 घंटे वो काम कर लूंगा तो ये पैसा आ जाएगा, 2 घंटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लूंगा तो वहां से पैसा आ जाएगा, 2 घंटे जोमेटो में कर लूंगा तो पैसा आ जाएगा। अरे 2-2 घंटों ट्यूशन फलाना ढिलाना XYZ का ऑप्शन माइंड में आ रहा है, 2 घंटे AWPL में एक्स्ट्रा प्लान करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, 2 घंटे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने का मकसद क्यों नहीं आ रहा। Yes, you know? Yes. आप अकेले दुनिया में अकेले नहीं हो यार, जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। आप अकेले नहीं हो जिसके पास पैसे की प्रॉब्लम है। आपसे जितने भी ज्यादा लोग सफल हुए हैं सब लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम थी, सब लोगों के पास पैसा नहीं था। ऐसे हजारों एग्जांपल मैं आपको पिछली ट्रेनिंग में बता चुका हूँ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, एक वॉचमैन हुआ करता था कि यार आज क्या एक सेलिब्रिटी है। 22 साल पेशेंस रखा उसने, कितने साल? 22 साल। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री से अनटच नहीं हुआ, उसी के टच में रहा, उसी के टच में रहा, उसी में प्रैक्टिस किया। Yes, you know? Yes. अमिताभ बच्चन की 12 फिल्में फ्लॉप हुई, उसने बॉलीवुड को नहीं छोड़ा, उसने अपने कैरियर को नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोगों के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है यार कि अपने बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाए तो हम ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, बिजनेस के अलावा ऑप्शन ढूंढते हैं कि यार चलो 2 घंटे कुछ और कर लेंगे, 4 घंटे कुछ और कर लेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि यार आप लोग अपने माइंड को सेट करो, पॉजिटिव रहो, और अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आती है उसका अल्टरनेट बिजनेस में ढूंढो, बिजनेस से बाहर मत ढूंढो। Yes या नो? Yes. Yes या नो? Yes. ये कहानी कर लोगे? Yes. डिजायर के साथ में डिजर्व कर लोगे? Yes. डिजायर के साथ में डिजर्व हो जाएगा।